नमस्ते, आज हम बादशाह चिकन दम बिरयानी बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 5 चम्मच घी डालकर गर्म कर लेंगे। घी गर्म होने के बाद डालेंगे 4 लौंग, 2 इलायची, 10 काली मिरी यानी कि ब्लैक पेपर पॉड्स, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 तेज पत्ता, इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 ग्लास बासमती राइस, जिसे हमने पहले ही वॉश करके ले लिया है। आप नॉर्मल जीरा राइस भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब डालेंगे गरम पानी। अब पानी को अपने हिसाब से डाल दीजिए। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स करके हम चावल को पकाने के लिए रख देंगे। एक अलग बड़े से कढ़ाई में हम 6 चम्मच तेल डालकर गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद डालेंगे 5 लंबे कटे हुए प्याज। प्याज सॉफ्ट होने तक इसे भून लेंगे। प्याज जब तक सॉफ्ट हो रहा है, तब तक हम एक मिक्सर जार में डालेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियां, करीबन 1 इंच अदरक, 15 तीखी हरी मिर्च, इन सब का फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 केजी चिकन, जिसे हमने पहले से वॉश करके ले लिया है। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम यहाँ पर खड़ा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी तैयार हुई इस ग्रीन पेस्ट को डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए 3 टमाटर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे 1 बड़ा कप दही। इसमें हमने कम से कम 200 ml का दही डाला है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने पहले से यहाँ पर अलग सी कढ़ाई में 4 लंबे कटे हुए प्याज को कैरामलाइज करके रख लिया था। कुछ इस तरीके से करीबन 1 मुट्ठी कैरामलाइज किया हुआ प्याज को अब इसमें डाल देंगे। बाकी का बचा हुआ हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे। अब बारी आती है मसाला डालने की, तो अब डालेंगे 4 चम्मच बादशाह गरम मसाला पाउडर। हम यहाँ पर बादशाह का राजवाड़ी गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिर में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बासमती राइस भी कुक हो चुका है। इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दानेदार ही रखना है। 2 मिनट के बाद देखिए हमारा चिकन भी अच्छे से मसाले में पक चुका है। अब चिकन को हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उस पर डालेंगे आप पकी हुई बासमती राइस को। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक ही लहर का दम बिरयानी बना रहे हैं। राइस को इवनली चिकन के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर डालेंगे बची हुई हमारी कैरामलाइज ऑनियंस को, और थोड़ा गार्निश के लिए हम लगभग 15 किशमिश और बारीक कटे हुए 15 काजू को फ्राई करके इस पर डाल देंगे, कुछ इस तरीके से। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया। आखिर में डालेंगे 2 चम्मच घी। इसे ढकेंगे और इसे गेहूं के आटे से सील करके 5 से 8 मिनट के लिए दम होने के लिए रख देंगे। ध्यान रखिए आंच को धीमी रखना है। आप इसे बिना सील किए हुए भी कुछ वजनदार वस्तु रखकर दम कर सकते हो।
5 मिनट के बाद देखिए हमारा बादशाह चिकन दम बिरयानी बनकर रेडी है। जिसे भी बिरयानी खाना पसंद है आप उसे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इस टेस्टी रेसिपी को आप अगली बार जरूर ट्राई कीजिए और कैसी बनी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।